आपको भी पता है यार, एचसीवी से बहुत टाइम बहुत बार कंसेप्ट रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस में, कंसेप्ट रिपीट हुए हैं। तो एक्चुअली में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके थॉट प्रोसेस को इनहेंस करते हैं, आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको करना बहुत जरूरी है। अब बात यह है कि बच्चे क्या करते हैं कि अगर मान लो मैंने 10 क्वेश्चन का लिस्ट दे दिया कि यार ये आपको ट्राई करने, तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, ट्राई किया, नहीं हुआ, वीडियो सॉल्यूशन देखा, कहीं से पता लग गया, हो गया सर क्वेश्चन तो हमने कर दिया। दैट इज नॉट द वे, इस तरीके से आपको जाना नहीं है। ये जो मैं आपको लिस्ट दूंगा जितने भी क्वेश्चंस हैं, देयर इज नो टाइम बाउंड प्रैक्टिस फॉर दीस क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है और सोचिए, गिव दोस क्वेश्चन टाइम। कुछ क्वेश्चंस टाइम डिजर्विंग होते हैं, उनको आपको सोचना पड़ेगा, आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि हाँ यार क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, क्लास में क्या बताई थी, किस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन होने वाला है। आप इनके सॉल्यूशंस नहीं देखेंगे पहली बारी में, जब आपका आंसर मैच करेगा तब आपको अपनी मेथोडोलॉजी चेक करने के लिए, अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना, अगर आपको डाउट है, आंसर मैच हो गया और आपको अपने मेथड पे हल्का सा डाउट है कि यार क्या मैंने सही अप्रोच लगाया है, तब आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है, तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ट्राई करा, आंसर नहीं आया, छोड़ दो उस क्वेश्चन के लिए, नहीं दिमाग लग रहा, छोड़ दो। लेकिन यस, ऑल टाइम आपके दिमाग में वो क्वेश्चन रिपीट होता रहना चाहिए, यार क्या करा जा सकता है। आप थ्योरी पढ़ो, आप सॉल्यूशन देखो ही मत उसका कहीं पर भी, आप थ्योरी में से निकालो ऐसा कोई निचोड़ कि वो चीज कैसे उस क्वेश्चन में लगानी है, ठीक है। आप उन क्वेश्चन से आखिरी तक लड़िए, जेई मेंस तक। मैं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस को वीडियो सॉल्यूशंस देख के या फिर अचानक डाउट पूछ करके, डाउट पूछना गलत बात नहीं है, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा उनके। एक बार सिलेबस खत्म होगा तो मैं इन सारे क्वेश्चंस के आपको वीडियो सॉल्यूशंस और करने के तरीके भी बताऊंगा, आप उससे बिल्कुल मत घबराइए। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा, इन क्वेश्चन से आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। लड़ने का कंसेप्ट मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्वेश्चन नहीं हुआ तो डिमोटिवेशन नहीं, आपको ये सीखना है कि सर ने अगर 50-60 क्वेश्चन में से 10 बोले हैं तो 10 का कुछ सिग्निफिकेंस है, ये 10 कॉन्सेप्ट्स मेरे को सीखने हैं, और वो आपके अंदर से निकल के आने चाहिए, ना कि कोई दूसरा बताए तो आप सोचे। जब तक आप इसको इतना ना ट्राई कर लें कि आप हार मान लें कि हाँ यार मैंने 5-6 बार सोच लिया, नहीं हो रहा, फिर अगर आप देखेंगे ना, तब आपको ये चीज गहराई समझ आ जाएगी कि एक्चुअली में लग क्या रहा था क्वेश्चन में जो आप नहीं सोच पाए। क्योंकि आप जनरली जब भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, झट से वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं, तो आपका माइंड प्रोसेस या थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप हो पाता कि आपने एक्चुअली में ऐसी कौन सी थ्योरी में चीज मिस करी या कैलकुलेशन में चीज मिस करी जिससे सवाल नहीं हो पाया। आप इतनी एनालिसिस नहीं करते हर क्वेश्चन पे, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चंस की एनालिसिस आपके पास रहे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? रिवाइज कर रहे हैं तो किन चीजों को पहले आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड्स आएंगे तो आप थ्योरी वाइज से फ्री हो जाएंगे, फिर हमारे पास डेरिवेशन ये सब कंप्लीट है, तो आप मार्च के टाइम पर या फरवरी के टाइम पे इतना फर्स्ट बुक, क्योंकि सेकंड पर फोकस होगा, 11th पर फोकस होगा, तो आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा मैं फर्स्ट बुक भूल चुका हूं, तो आपके पास क्विक रिवीजन है और आपने डेरिवेशन लिख लिख के देखी है, तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार थोड़ा टाइम लगेगा, कर लूंगा। एचसीवी के फर्स्ट बुक अब हमारी कंप्लीट, मतलब एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक हो गई, तो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मेन वो कर लिए, और पीवाईक्यू उस क्लास में भी बहुत करे हैं वो भी हो गए। एडवांस का सेशन मैंने आपको पहले बोला है, कुछ बच्चे मैं देख रहा था कमेंट कर रहे थे कि सर ये हमसे नहीं हो पा रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, जो आपके एडवांस का सेशन है मैंने आपको पहले बोला है, वीक में आप फिजिक्स के 4 ही क्वेश्चन लगाइए, कोई नहीं 4 या 5 लगा लीजिए बस, पूरे एक हफ्ते में 4 या 5, और वो क्वेश्चन आपको मेरे से नहीं सीखना है, वो क्वेश्चन आपके दिमाग से निकलना है। आपने क्वेश्चन रीड करा, ट्राई करा, नहीं हुआ, छोड़ दिया, 5 क्वेश्चन आप उठा लो पहले और वो ट्राई करो, नहीं हुआ, छोड़ दिया, आंसर मैच करा, तब वीडियो सॉल्यूशन देखो कि हाँ यार जो बताया, जो मेथड था वो मैच हुआ है नहीं। जिनका नहीं हुआ, अगले संडे तक का टारगेट है, उसके बारे में दिमाग में चलाते रहो कि अच्छा क्या मैं ये कंजर्व कर सकता हूं, क्या एनर्जी निकाल लूं, क्या फोर्स कर लूं, कुछ भी सोचते रहो, और जब आपका एक वीक खत्म हो तब आप हार के उनका वीडियो सॉल्यूशन देखो कि यस भाई मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, क्या थॉट प्रोसेस है, तब आप उनसे सीखोगे। इनको आप टारगेट मत लीजिए, एडवांस का पेपर आपका अप्रैल या मई में होगा, यू हैव टाइम, और उसका मैं हमेशा कहता हूं क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने में टाइम लगता है। इट्स नॉट अबाउट कि आपने 40 क्वेश्चन कर लिए मेरे साथ सुन सुन के कर लिए तो वाह वाही में आप कहोगे कि यस हो गया, लेकिन उसमें आपकी तैयारी नहीं होगी। तैयारी एडवांस की आप खुद से ही करते हैं, आपको बस मैं जरिया या मौका या एक रास्ता दिखा सकता हूं, थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना है तो उसमें टाइम लगेगा। प्लीज इसको पेशेंटली करिए, हफ्ते में 4 या 5 फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन, 4 या 5 मैथ्स के और केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन आप ट्राई करिए, इतना ज्यादा परेशान मत होइए।